कुछ नहीं है एम, बेसिकली इट इज वील बी डिस्कसिंग. तो मैं इस हफ्ते 106 से लेके 140 तक अपनी बुक के ग्राफ शेयर करूंगी, बिकॉज आई एम शेयरिंग 35 एवरी वीक. ओके. मैम एक को आ रही हूँ। हाँ, ये मैंने पीछे से बंद किया स्टूडेंट्स का. ओके ओके. सो दिस इज वन ग्राफ विच हैज बीन सीन इन द पास्ट. द चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ फोर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश बिटवीन 1982 एंड 2007. आप देखो एक्स एक्सिस पे 1982, 92, 2002, 2007. ठीक है. वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर, नंबर ऑफ फोर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश. तो ये जैसे 50,000 है, तो इसका मतलब 50,000 उस स्पीशीज की मच्छी थी समुंदर में. ठीक है. इसको इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? वन सेंटेंस इंट्रोडक्शन, दैट विल बी पैराफ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन. ओके, ऑलवेज डू लाइक दैट. पैराफ्रेजिंग करके, द गिवन लाइन ग्राफ कंपेयर्स द नंबर ऑफ फोर स्पीशीज ऑफ फिश, नेमली अटलांटिक कॉड, येलो फिश ट्यूना, येलो फिन ट्यूना, हेडक एंड द स्वॉर्ड फिश फ्रॉम 1982 टू 2007. यहाँ पे देखो, बिटवीन 1982 एंड 2007 है, हमने क्या कर दिया? फ्रॉम, और यहाँ पे कर दिया टू. तो फ्रॉम टू एक कॉम्बिनेशन है, बिटवीन एंड एक कॉम्बिनेशन है. ठीक है. ओके मैम, अब ओवरव्यू देना है. ओवरव्यू में हमेशा टू सेंटेंस आएंगे. एक सेंटेंस आपने देना है एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन का, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म का. और दूसरा सेंटेंस देना है, सेकंड सेंटेंस विल बी ऑफ द ट्रेंड्स. तो ट्रेंड क्या होता है? व्हाट इज अ ट्रेंड? गुरप्रीत. इंक्रीज और इंक्रीज या डिक्रीज हाँ, मैम। ट्रेंड होता है चेंज ओवर टाइम, मतलब चेंज ओवर टाइम. तो टाइम के पास जो साथ जो चेंज हुआ, जैसे किसी की लैपटॉप की सेल हुई जनवरी में 4 बिके, मार्च में 40 बिके, तो सेल क्या हुई? इंक्रीज हुई. ठीक है. तो ये है इंक्रीज, ये है ट्रेंड ओवर टाइम. एक सेंटेंस आपने देना है मैक्सिमम मिनिमम का, और एक सेंटेंस देना है चेंज ओवर टाइम का, ट्रेंड का. अच्छा, आप इसमें देखो, सबसे कम कौन सी स्पीशीज है? स्वॉर्ड फिश. ये तो दिख रही है ना आपको सबसे नीचे. हाँ. यस और मैम, सबसे ज्यादा कौन सी है? कोई नहीं, ऐसे एक किसी कुछ समय के लिए ये ज्यादा है, कुछ समय के लिए ये ज्यादा है. तो पर ज्यादा टाइम के लिए कौन सी ज्यादा है? मेजोरिटी ऑफ द टाइम पीरियड के लिए कौन सी स्पीशीज सबसे ज्यादा है? अटलांटिक अटलांटिक स्पीशीज। अटलांटिक कॉर्ड. तो आप कैसे लिख सकते हो? ओवरऑल द अटलांटिक कॉर्ड डोमिनेटेड इन नंबर्स. अटलांटिक कॉर्ड डोमिनेटेड इन नंबर्स का मतलब है सबसे ज्यादा थी. ठीक है, ये अटलांटिक कॉर्ड है. सॉरी, अटलांटिक कॉर्ड डोमिनेटेड द नंबर्स एक्सेप्ट फॉर द ईयर 1992, एक्सेप्ट फॉर जो 1992 का साल है, जबकि येलो फिन ट्यूना इससे ज्यादा थी. व्हेन द येलो फिन ट्यूना वॉज द मैक्सिमम इन नंबर नंबर अमंग द गिवन फोर स्पीशीज. तो मोस्टली मोस्टली अटलांटिक कॉर्ड वॉज द मैक्सिमम, एक्सेप्ट फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इन द ईयर 1992. ठीक है. आप ये इतना इतना मुश्किल मैंने वो डोमिनेटेड इन नंबर लिख दिया, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो. इसको बिल्कुल सिंपल कैसे लिख सकते हो? अर्जुमेंट बोलेगी बिल्कुल सिंपल लाइन, मैक्सिमम मिनिमम वाली. अर्जुमेंट. ओके मैम, ओके मैम, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट अटलांटिक वाज द मैक्सिमम फॉर, हाँ, फॉर मेजोरिटी ऑफ द गिवन टाइम पीरियड ऐसे भी लिख सकते हो. बिल्कुल हाँ मैम, फॉर मेजोरिटी ऑफ द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है. तो मेजोरिटी ऑफ द गिवन टाइम पीरियड है 9 ईयर्स का, उसमें सिर्फ एक साल के लिए कोई और फिश ज्यादा थी. तो मेजोरिटी ऑफ द गिवन टाइम पीरियड के लिए कौन सी फिश सबसे ज्यादा है? अटलांटिक कॉर्ड। अटलांटिक, अटलांटिक कॉर्ड. सो दिस इज वन सेंटेंस. एंड सेकेंड सेंटेंस आपने बनाना है, कौन सी स्पीशीज ऑफ फिश इंक्रीज हुई, कौन सी डिक्रीज हुई. अब देखो, ये अटलांटिक कॉर्ड है, इसका फर्स्ट वाले ईयर का पॉइंट ये है, और लास्ट वाले ईयर का पॉइंट उससे ऊंचा है कि नीचा है? नीचा. ठीक है. तो आप लिखोगे डिक्रीज्ड. ये वाली का डिक्रीज्ड, ये वाली का स्टेबल, फेयरली स्टेबल, ये वाली का स्टेबल. तो अब आप क्या बनाओगे स्टेटमेंट? द नंबर ऑफ अटलांटिक कॉर्ड एंड येलो फिन ट्यूना डिक्रीज्ड ओवर द पीरियड विद सम फ्लक्चुएशंस.
but the other two species were more or less unchanged. Were more or less unchanged. आप ऐसे भी लिख सकते हो, remained fairly stable. लिख सकते हो ना? मैम अगर सारे डिक्रीज हुए तो वो वाला ट्रेंड कैसे बनाना है? लिखो ऑल ऑल स्पीशीज ऑफ फिश डिक्रीज इन द गिवन टाइम पीरियड. ओके मैम, ऑल स्पीशीज ऑफ फिश इंक्रीज इन द गिवन टाइम पीरियड. कितना इजी है अर्जुमन? स्टेगनिन डाल सकते हैं. हां स्टेगनिन. क्या ये सारे जो है वैसे के वैसे ही रहे तो हम ये बोलते हैं ना बोलने में कि स्टेगनेंट ही रहा कोई चीज. हां ये स्टेगनेंट. हां यू कैन से बट द अदर टू स्पीशीज रिमेंड स्टेबल फेयरली स्टेबल. More or less unchanged, fairly stable लिख सकते हो. मैं within the given period. हाँ within the given time period. हाँ बिल्कुल ठीक है. तो ये आपको दो sentence समझ आ गए. अब line graph में ना हर line graph में ये दो sentence तो बनेंगे ही बनेंगे because line graph में नीचे हमेशा years होते हैं. मतलब 99% of the time यहाँ पे years होते हैं और यहाँ पे कोई और figure होती है percentage या number. ठीक है तो ये आपको ये इंट्रोडक्शन एंड टू सेंटेंसेस ऑफ द ओवरव्यू समझ आ गए. यस मैम. अगर आप इसके जो भी ग्राफ है अगर आप इसके बैंड डिस्क्रिप्टर्स देखोगे ना तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि ओवरव्यू को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है. अगर आपका ओवरव्यू अच्छा है ना आपके बैंड ग्राफ में बैंड 7-7+ पक्का जाएंगे. ओवरव्यू आपका वीक है. वीक कैसे हो सकता है? आप एक ही सेंटेंस लिख दो कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है. वीक ओवरव्यू. ओके जब तक आप ट्रेंड साथ में नहीं डालते हो तो ठीक है. अब आपको इंट्रो और ओवरव्यू समझ आ गए. तीन सेंटेंस हो गए हमारे. आपको आपको हमने 10 सेंटेंस पे लाइन ग्राफ लिखना सिखाया हुआ है. आपने देखा है हमारा वो वीडियो? यस मैम. राइट द लाइन ग्राफ इन 10 सेंटेंस. ओके अभी हम इसको भी उसी बेस पे लिखते हैं. ठीक है अब देखते हैं. वैसे ना ये पुराना लिखा है मुझे नहीं पता कैसा लिखा है पर वो वाला क्या था कि पहले पहले पैरे में हमने क्या करना है फर्स्ट जो गिवन ईयर है उसमें चारों की फिगर्स दे देनी है. यही था ना. पहले तो हमने एक आइडेंटिफाई करना है हमने लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है. इस ग्राफ में हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. कर सकते हैं ना? यस मैम. एक इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे भी कर सकते हैं. यस मैम. यहाँ पे भी कर सकते. तो किसी भी जगह पे हमने ना इसको बाइफरकेट कर देना है और जहां से हमें अच्छा लगे अच्छे सेंटेंस बने. अभी मैंने 92 पे करा है पर बिलीव मी 2002 पे भी बन जाएगा. ठीक है चलो अब 1982 की फिगर्स बोलो. इन 1982 देयर वर 225000 अटलांटिक क्वाड. ये ना मैंने पुराना लिखा हुआ है मैं बता रही हूँ. तो हमारा जो नया मेथड है उसमें क्या था कि पहले पैरे में हमने सबकी फिगर ये पहले साल वाली लिखनी है. तो लिख के देखते हैं उस वे में. लेट्स सी. ठीक है चलो. इन 1980 इन डिटेल इन 1982. हाँ अब बताओ हम इन दोनों की फिगर्स पहले सेंटेंस में लिख के फिर बाय कंट्रास्ट डाल के इन दोनों की फिगर्स दे देंगे. बाय कंट्रास्ट क्यों डाल सकते हैं वहां पे वर्ड देखो. लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन हमें डालनी है क्योंकि इससे बैंड आने हैं क्योंकि ये दो की फिगर्स काफी ज्यादा है इनकी काफी कम है. तो यहाँ पे बाय कंट्रास्ट आ सकता है ना? Yes, हाँ. या वेयर एज भी लिख सकते हो. ठीक है तो इन 1982 द नंबर ऑफ अटलांटिक क्वाड and ये कौन सी है? येलो फिश ट्यूना. येलो फिन ट्यूना वॉज वो क्या लिखोगे? 225000 and 1500 Haddock and a swordfish. Was considerably lower, लिख सकते हैं मैम? हाँ.
Considerably lower at 75,000 कर दे 80,000 75 and ये इसको क्या लिखोगे 10 हाँ यहाँ पे फिर हम approximately word डाल दें हाँ मैम क्योंकि ये सर्टेन तो नहीं है अराउंड भी लिख सकते हैं मैम क्योंकि थोड़ा बहुत 80 तक जा रहा है थोड़ा ऐसा लिखा हाँ बिल्कुल बिल्कुल respectively अच्छा अब आपने जिन्होंने वो वीडियो देखा है उसके हमारे दो सेंटेंस हो गए तो बाकी दो सेंटेंस क्या होने चाहिए हमें अब 92 पे अगर हमने ब्रेक डालनी है तो हम इनकी फिगर्स की ये कम हो के इतना हो गया और ये इतना हो गया एक सेंटेंस बना देते हैं और इन दोनों का फेयरली स्टेबल रहा ये एक सेंटेंस बना देते हैं ठीक है टिल 1992 ठीक है ओके अगर हम बाय से शुरू करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस ला सकते हैं तो मैं बाय वाला सेंटेंस बनवाऊं बाय 1992 द नंबर ऑफ एटलांटिक कॉर्ड हैड फॉलन टू 1,50,000 whereas whereas the figures for Yellow okay. fish fin tuna reach a peak हो सकता है मैम हाँ लिख सकते हो peak that ये बहुत high peak नहीं है but increase तो है ही है ना had peak had risen to मैं तो had risen to लिखूंगी मुझे better लग रहा है had risen to 2 lakh अब ये दोनों का हमारा हो गया एंड ऑन द अदर हैंड कर देते बाय कंट्रास्ट हम यूज कर चुके हैं ठीक है पर ये पता है क्या है इसको ये जो है ना ये एंड तक उतने ही रहे हैं तो हम इनको पूरा एंड तक भी कर सकते हैं बाद में ठीक है एंड तक भी पूरा कर सकते हैं क्योंकि एक ही लाइन बनेगी ये इतना ही रहा है ये इतना ही रहा है यहाँ पे ब्रेक करने की इनको जरूरत नहीं है ठीक है और देखते हैं अच्छा जो आपने वो देखा है उसका बताना जो आपने वो पहले देखा है जो ग्राफ देखा है उसमें आगे क्या था आगे ये था कि हमने 92 तक निकाले है ना डेटा अभी 92 के बाद का डेटा बताएंगे और फिर 2007 तक ट्रेंड वाला बता देंगे जैसे अभी हमने किया ना वैसा अभी हमने इन दो का 92 तक नहीं बताया ना इनका भी तो एक सेंटेंस बनेगा हाँ है ना हाँ जी Hedgehog and swordfish. Remained the same. Remained unchanged. Remained unchanged भी लिख सकते हो, ठीक है? ये हमने ऊपर भी लिख दिया ना, remained unchanged, remained the same, ठीक है? अच्छा चलो. अब ये हो गया हमारा एक पैरा अब दूसरा पैरा बनाएंगे हम ठीक है मैम कैपिटलाइजेशन ही करनी ओ फिश के नाम की हाँ पता है एक्चुअली ये मेरे को यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन थी बिकॉज़ ये अटलांटिक है ये सारे कैपिटल्स आते हैं ये भी इनको सबको ही कैपिटल करना पड़ेगा फिर मैम सरप्राइजिंगली सिमिलरली कब यूज होता है इसमें
सरप्राइजिंगली सिमिलरली यहाँ पे कुछ सरप्राइजिंगली का तो है नहीं, और सिमिलरली यहाँ पे इस, हाँ जहाँ पे कुछ सिमिलर कुछ ऐसे होगा कि इसका भी वैसा ही रहा, जैसे हम इसकी लिखे हैं स्टेबल रहा, सिमिलरली द नंबर ऑफ स्वॉर्डफिश आल्सो रिमेंस स्टेबल, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमने ना ये देखो ऊपर हमने मैक्सिमम का बताया, अब हम यहाँ पे ना एक मिनिमम की लाइन अगले पैरे में डाल देंगे, मिनिमम थ्रू आउट. ठीक है, स्वॉर्डफिश के लिए मिनिमम वर्ड बॉडी में डाल देंगे. ठीक है, सेकेंड पैरा बनाना है. अब सेकेंड पैरा हमने बनाना है फ्रॉम 1992 टू 2007. ठीक है, ऐसे शुरू कर सकते हैं फ्रॉम 1992 टू 2007. अब बताओ कि ये जो दोनों हैं, ये है येलोफिन ट्यूना एंड अटलांटिक कॉड, इनके ये कम हुई है और ये ऊपर बढ़ी है, और जब ये कम हुई है ये तो ये इसका हम पहले इसका पूरा बता देंगे और फिर इसका पूरा बता देंगे. ठीक है, तो ये बताओ फ्रॉम 1992 टू 2007, हमें ये 1992 टू 2007 को ना 2002 पे ब्रेक कर लेते हैं, करें एक बार और. वो ज्यादा इजी हो जाएगा. हाँ, from 1992 to 2002, the haddock and the yellowfin tuna and Atlantic cod showed opposing trends and reached a figure of this and this respectively. ऐसे लिख दे? Yes, ma'am. हाँ, फिर increase decrease नहीं आएगा और ऐसे लिखोगे from 1992 to 2002, the yellowfin tuna, कितनी फिगर्स पहुंची हैं? फिगर्स ऑफ, सबसे पहले हमने येलो फिन ट्यूना का बोला है, तो येलो फिन ट्यूना की फिगर ये हो गई 1 1 1 2 5 0 0. हाँ ठीक है, 1 1 2 5. मैम कहाँ पे आप? मैम आप गलत जगह पे चली गई. ये पता है क्या होता है, मेरा वो कर्सर हिल जाता है. Figures of 1 2 5 0 and uski kitni hai 1 7 5 0 0 0. And figures of roughly, yahan pe roughly ya nearly aise kar dete hain. Theek hai, kyunki hum approximations hi kar rahe hain na, respectively. अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली को? नहीं नहीं नहीं, रिस्पेक्टिवली का कोई भी और वर्ड नहीं है, अकेला ही है ये. ठीक है, ऑन द अदर हैंड के बाद यहाँ पे कॉमा आना चाहिए. ओके, अब आफ्टर 2002 द नंबर्स ऑफ बोथ फेल टू. ओके, हाँ, आफ्टर 2002 the numbers of both fell to ye hai 1 lakh, aur ye hai 1 lakh 30 kar do 25 30 ke something. Haan, respectively बहुत बार आ गए, यहीं पे फिनिश कर रही हूँ. ठीक है, both fell to this and this. अब ये इन दोनों के लिए एक सेंटेंस बना दो और खत्म करो. ठीक है, by 2007 नहीं लिख सकते मैम, last. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. ठीक है,
इसमें ये लिख सकते हैं देयर देयर हैज बीन नो चेंज ऑब्जर्वड इन दिस टू कैटेगरीज फ्रॉम थ्रूआउट द पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. No change was found in the numbers of swordfish and haddock till 2007. ठीक है? Yes. Till 2007 को मैम हम थ्रू आउट भी लिख सकते हैं. हाँ थ्रू आउट पहले हमने उतना लिखा हुआ है ना, इसलिए थ्रू आउट मत लिखो, थोड़ा दिखा okay, दिया हुआ उनका पहले तो ठीक है. द स्वॉर्डफिश वर द लीस्ट इन नंबर्स, यहाँ पे थ्रू आउट कर देते हैं क्योंकि हमने लिस्ट वाला ऊपर नहीं ना डाला था तो यहाँ पे मैंने सेंटर. अब ये हो गया हमारा ग्राफ, ये उस पैटर्न से है जो आपको पैटर्न दिया है, तो 206 वर्ड्स का बना है. जो पैटर्न अगर आपके हाथ में है तो आपको जल्दी लिखा जाएगा क्योंकि आपको पता है अच्छा आगे ऐसे कर देना, आगे ऐसे कर देना, अब इसके बारे में लिखना है और आपका ग्राफ खत्म हो जाएगा. ठीक है, उस पैटर्न से लिखा है. जो मैंने पहले लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था मैंने पुराना, उसमें क्या था कि मैंने पहले अटलांटिक कॉर्ड की नंबर ले ली और 90 फिर पूरा उसी को एक्सप्लेन कर दिया टिल 2007. ठीक है, फिर येलो फिन ट्यूना का लेके अपोजिंग ट्रेंड लिख के उसको बता दिया 2007 में कितना हो गया और फिर दोनों का लिख दिया. पर ये वाला मेथड बेटर है जिसे अब मैंने लिखवाया आपको, मतलब ये वही उस मेथड से है तो यू नो यू हैव समथिंग इन हैंड टू राइट. ठीक है मैम, एक सीक्वेंस बन जाती है तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम क्या लिखें. बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ ना, वो सीक्वेंस बन जाती है और उससे आपका टाइम सेव होता है. ठीक है मैम, वो मैम 10 सेंटेंस वाली वीडियो में है जिसमें 10 सेंटेंस का ग्राफ होता है. हां वही है, ये वही पैटर्न है. आप सेंटेंस गिनो, 1+2+3 इसमें कितने सेंटेंस, 4 है. तो 4 है और ये 2 है और 1 है, 7 और ये कितने हैं, 8 3 है, 9 है, 10 सेंटेंस हो गए. यस मैम, यस मैम, 10 सेंटेंस में बन गया. ठीक है, अब एक मैंने मैं चेंज ही कर रही हूँ बुक में. अच्छा अभी आपको एक मेरे साथ ऐसे लिख के ज्यादा अच्छा लिखना आया ग्राफ, फायदा हुआ. हाँ जी मैम, यस मैम. ये वाला ग्राफ जो है ना ये एक्चुअली पास्ट में आया था तो मेरे से ना ये वर्ड में बना नहीं एक्सेल में या जिसमें भी बनता है, तो मैंने इसको हाथ से ही फिर बुक में डाल दिया लिख के. ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही आया एग्जाम में सिमिलर सा, तो लेट्स सी व्हाट इट इज. ओके, दिस इज द पिक्चर बिलो शोज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अकाउंटिंग फॉर द टोटल एनर्जी फ्रॉम 1971 टू 2006. ठीक है, अब रिन्यूएबल एनर्जी है अकाउंटिंग फॉर द टोटल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी है, सारी ये रिन्यूएबल ही है, सिर्फ कंट्रीज के नाम है. ठीक है, ओके, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्टेट्स. तो ये मतलब ये यहाँ पे इस पे परसेंटेज है. अब जैसे 25% है तो ये जो कंट्री है ये कौन सी कंट्री है, फिनलैंड. तो फिनलैंड ने ऑलमोस्ट 25% 1971 में कौन सी एनर्जी यूज करी आउट ऑफ ऑल द टोटल एनर्जी, 25%. ठीक है, और सबसे कम कौन सी कंट्री ने करी, ये यूएस, यूनाइटेड किंगडम, ये वन से भी कम है यूके ने. तो मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी कंट्री ने थ्रू आउट यूज करी, फिनलैंड. और मिनिमम किसने यूज करी, यूके. अब आपको ना इस ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम की एक लाइन मिल गई ओवरव्यू के लिए. यस मैम. अच्छा अब हम इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड वाली लाइन देखेंगे कैसे बनाएं. अब ये देखो ये 25 पे है, एंड पे आके उतना ही है ऑलमोस्ट. ठीक है, ये है 15 पे और एंड पे आके थोड़ा सा ऊपर है. ठीक है, हाँ ये थोड़ा, ये 7 पे है और एंड पे आके ऊपर है. ठीक है, ये इतना है और एंड पे आके ऊपर है और ये इतना है एंड पे आके ऊपर है. तो सारी कंट्रीज में
जो है रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूज है वो बड़ा है सिवाय फिनलैंड के जहाँ पे ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है ठीक है। बीच का हमें नहीं करना, ट्रेंड होता है फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। अगर बीच का आपको लिखना है ये लिख सकते हो फ्लक्चुएशंस थी सब, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब हमने ये बनाने देखना है, हमने जो पहले का मैंने ग्राफ लिखा हुआ वैसा ही है कि डिफरेंट है, ठीक है, ये है, ये देखो। अच्छा ये रीराइट करा था 16-9 को पिछले साल लेस देन 10 सेंटेंस मेथड के साथ रीराइट करा था। सो लेट्स सी हाउ वी रीरिटन इट। द गिवन लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स द परसेंटेज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी इन 6 कंट्रीज बिटवीन 1971 एंड 2006। यहाँ पे फ्रॉम टू है, यहाँ पे मैंने कर दिया बिटवीन एंड बिटवीन, ओके, ठीक है। और यहाँ पे गिवन लाइन ग्राफ कर दिया, वहां पे पिक्चर बिलो है, शोज की जगह इलस्ट्रेट्स कर दिया, परसेंटेज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी में से रिन्यूएबल कितनी थी, ठीक है। ओवरऑल द मैक्सिमम यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वॉज इन फिनलैंड वेयर एज द यूके यूज दीज रिसोर्सेज द लीस्ट थ्रू आउट द गिवन पीरियड ऑफ 35 ईयर्स। ऑल्सो द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज इन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फिनलैंड वेयर इट रिमेन्ड ऑलमोस्ट स्टेबल। हमने ऐसा ही स्टेटमेंट बनाया था ना अभी, क्योंकि मैक्सिमम एक ही है, मिनिमम एक ही है, तो एक सेंटेंस में दोनों आ गए, और साथ में हमने ये कहा कि सब में इंक्रीज हुआ है सिवाय इसके जिसमें स्टेबल रहा है, स्टेबल रहा है। उसके बाद इन 1971 हमने क्या करना है, 1971 में सारी कंट्रीज की फिगर्स ले लेनी, ठीक है। इन 1971 फिनलैंड यूज्ड 25% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉलोड बाय डेनमार्क एट 15%। हाउएवर द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन फ्रांस Germany, the UK and the USA stood at approximately 8%, 5%, 1% and 3%. हमने क्या कहा था कि दो sentences में हमने इन सब की ये first figures दे देनी है। दिया है ना first figure 1971 में, वही दिया, वही pattern है। आपको pattern दिख रहा है अब? अगर आपके पास pattern है तो फटाफट लिख डालोगे ना वहाँ पे। मैम ये जो आपने ये लिख रखा है follow by Denmark, ये बताना थोड़ा सा। ये फॉलो देखो, सबसे पहले ना हमने मैंने क्या करा, मैंने इन दो का एक सेंटेंस बनाया और इन चार का एक सेंटेंस बनाया, ठीक है। अब मैं वैसे सिंपल लिख सकती थी कि फिनलैंड और डेनमार्क की इतनी और इतने परसेंट थी, सिंपल लिख सकती थी ना, इतने और इतने परसेंट थी। अब मैंने क्या करा, इसकी लिख दी और इस पे लिख दिया फॉलोड बाय, ठीक है। तो पहले वालों को फॉलो करेंगे मैम ये जो, हाँ हाँ, एक मिनट मेरी कॉल आ रही है। जो सेकंड हाईएस्ट होती है ना जुबैर, उसको ऐसा बता सकते हैं कि पहले वाले को फॉलो कर रही है ऐसा, और कुछ नहीं। सेकंड हाईएस्ट ऐसा लिखते भी हैं लोग, पर सेकंड हाईएस्ट की जगह मैम ने फॉलो अप दिखाया है बस। देखो हमने क्या करा, इसमें इतनी थी फॉलोड बाय डेनमार्क एट इतना, मतलब सेकंड नंबर पे डेनमार्क इतना था, इसलिए फॉलोड बाय यूज करा, ठीक है, ठीक है। और बाकी चारों में मैंने अलग से दे दिया, ठीक है, एक मिनट में म्यूट कर दूं सबको। ओके, बाकी चारों में हमने ऐसे फिगर एक सेंटेंस में बना दी। तो ये आपको पहले सेंटेंस पता चल गए, पहले पैरे के दो सेंटेंस समझ आ गए। हाँ जी। फिर हमने ब्रेक यहाँ पे डाली है 91 में, अब कहीं पे भी डाल सकते हो, हमने 91 पे डाली है, ठीक है। यहाँ तक हम कंपैरिजंस कर देंगे और फिर उसके बाद का बता देंगे, ठीक है। सो हमने लिखा है फ्रॉम 1971 to 1991 देयर वाज अ मॉडरेट डिक्रीज इन द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम नियरली 25% टू 17% इन फिनलैंड, वेयर एज इन ऑल द अदर गिवन कंट्रीज द फिगर्स इंक्रीज्ड स्लाइटली। अब हमने 91 तक बता दिया कि यहाँ पे मॉडरेट डिक्रीज हुई और बाकी सब कंट्रीज में फिगर्स इंक्रीज स्लाइटली, और फिगर्स नहीं दी हमने, ठीक है, बस इसका डिक्रीज है और बाय कितना हुआ है वो लिख दिया, और इन सब में इंक्रीज स्लाइटली क्योंकि ये हमने फिगर्स दी है और इन सब की हमने कह दिया स्लाइटली इंक्रीज हुई है, तो अब हमने दोबारा फिगर्स नहीं दी, ठीक है। ये समझ आ गए सेंटेंस कैसे बने, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट बिटवीन 1991 एंड 2006। अब 1991 एंड 2006 के बिटवीन द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ग्रो मिनिमली
इन फिनलैंड फ्रांस जर्मनी एंड द यूके. तो ये जो कंट्रीज हैं 1991 एंड 2006 में फिनलैंड एक मिनट फिनलैंड फ्रांस जर्मनी एंड द यूके. फिनलैंड ये है यहाँ पे, ये फिनलैंड ये 91 के बाद है. फिर ये है फ्रांस, फ्रांस का कौन सा है ये वाला फ्रांस, ठीक है. और जर्मनी, ये है जर्मनी का, जर्मनी एंड द यूके, इनमें ग्रियो मिनिमली कर दिया हमने, ठीक है. फिनलैंड फ्रांस जर्मनी एंड द यूके इनमें कर दिया. फ्रॉम उनकी चारों फिगर्स दी 91 की, हमने पहले नहीं दी थी ऊपर, याद है आपको, हमने सिर्फ कह दिया था हाँ, तो हमने सीधा यहाँ पे लिख दिया 1991 से 2006 में इन चार कंट्रीज की जो फिगर्स है वो इस इन फिगर से टू ये वाली फिगर्स रिस्पेक्टिवली ग्रो हुई. अब रिस्पेक्टिवली से क्लियर हो गया, ये 17 से 23 हो गई, ये 8 से 11 हो गई, ये 5 से 10 हो गई, ये 2 से 4 हो गई, ठीक है. ये समझ आ गया. By contrast, the use of renewable energy in Denmark and the US. और Denmark और US की हमने fall कराई है थोड़ी सी. Denmark का ना, ये है Denmark. ये 91 तक है Denmark. ये थोड़ी सी इससे नीचे है Denmark की, ठीक है. And US, US का है. Dotted line ये वाला है ना? हाँ. इसमें मैंने fall कराया है. इनमें ग्रियो मिनिमली है, इनमें ग्रियो एक मिनट, फिनलैंड एंड फ्रांस में मिनिमल ग्रोथ हुई है. ये फिनलैंड है और ये है फ्रांस, इनमें इनमें मिनिमल ग्रोथ हुई है और इनमें बाकियों में भी तो ग्रोथ ही हुई है. हाँ, कम नहीं हुए कोई भी. नो मैम जी, डेनमार्क की मैम डिक्रीज हुई है मैम 91 से 90. अच्छा अच्छा, हमने 91 से 1996 की फिगर ली है, ठीक है ठीक है ठीक है. फिर ये देखो, फिर ये यूएस की भी डिक्रीज हुई है, ठीक है. हाँ, और इसकी भी डिक्रीज हुई है, ठीक है. हाँ, इसलिए हमने डिक्रीज लिखा है, ठीक है, ठीक लिखा हुआ है. हमने लिखा है फ्रॉम 91 टू 1996. ओके, बाय कंट्रास्ट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन डेनमार्क एंड यूएस फेल स्लाइटली फ्रॉम 91 टू 96, बट आफ्टर दैट पिक्ड अप अगेन. पर उसके बाद इट पिक्ड अप अगेन, दोबारा बढ़ गई दोनों की एंड रीच्ड, फिर उनकी लेवल्स दिख दी 15% and 16% रिस्पेक्टिवली बाय 2006. ठीक है, वही मेथड है, समझ आ गया. Yes, बस ठीक है. तो ये आपको, ये भी ग्राफ आपको समझ आ गया, उसी मेथड से लिखा हुआ है, ठीक है, लेस देन 10 सेंटेंस मेथड. अब ये वाला देखो, ये है एवरेज डेली आवर्स ऑफ सनशाइन एंड एवरेज मंथली टेम्परेचर. सनशाइन और टेम्परेचर समराइज द इंफॉर्मेशन. ये डार्विन एंड मेलबर्न दो है, यहाँ पे सनशाइन के आवर्स है, यहाँ पे मंथली टेम्परेचर के आवर्स है. नीचे मंथ्स हैं जनवरी टू दिसंबर, ठीक है. अब इसको कैसे लिखना है, ओके. ये भी ना, ये लिखा तो इंद्रूप ने है, पर ये पुराना लिखा हुआ है, ठीक है. इसको भी देखते हैं. और यहाँ पे ओवरव्यू में एक ही सेंटेंस है, हमें ओवरव्यू में भी दो सेंटेंस बनाने चाहिए. तो लेट्स सी हाउ टू राइट इट. The given line graphs compare the daily hours of sunshine and the monthly temperature in two Australian cities, Darwin and Melbourne. ठीक है? In two Australian cities, Darwin and Melbourne. Overview, overall, Melbourne is sunnier than Darwin for most part of the year. तो Melbourne ये sunnier है. Melbourne यहाँ पे देखो, hours of sunshine ज्यादा है ना? For most part of the year, Melbourne is sunnier than Darwin. ठीक है, sunnier कौन सा form है adjective का sunnier? Comparative. और इसके बाद कौन सा word आना चाहिए? Comparative के बाद कौन सा word आना चाहिए? Then. Very good. ये temperature है.
इसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? डार्विन इज हॉट है, तो हॉट सेकेंड फॉर्म क्या होगा? हॉटर. ठीक है, डार्विन इज हॉटर देन मेलबर्न थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर. एंड यहाँ पे है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ये समझ आ गया आपको? तो एक एक सेंटेंस, एक मिनट पानी पी. तो हमने एक सेंटेंस डाला है जिसने दोनों ग्राफ्स की, ये जो दो ग्राफ्स हैं दोनों की जिस्ट निकाल दी है ओवरव्यू में. ठीक है, अब हमें इसमें ये देखते हैं अगर हमने एक और सेंटेंस डालना है तो वो क्या डाल सकता है. कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? ये मंथ्स है तो ये जो है ये एक्चुअली फ्लक्चुएशन ही है. ऐसे नहीं करके लिख सकते भाई, जैसे मई से लेके नवंबर तक वो मंथ को लेके मैम, भाई वो ज्यादा सनशाइन आ रहे थे वहां पे इस मंथ में. मैम जैन से लेके जैन से लेके फ्लक्चुएटेड लिख सकते हो, फिर लास्ट में देखो फरवरी से लेके ये क्या है अक्टूबर तक, अक्टूबर ये सन ईयर है. ठीक है, डार्विन इज मेलबर्न इज सनियर देन डार्विन, बट इन द अदर मंथ्स डार्विन हैज मोर आवर्स ऑफ सनशाइन, ये लिख सकते हैं. तो एक ये हो गया इसको, और दूसरे सेंटेंस में हॉटर वाले को दो में बना देते हैं तो हमारा ओवरव्यू दो सेंटेंसेस बन जाएगा, क्योंकि ट्रेंड्स वाला बन नहीं रहा सेंटेंस कोई भी. ट्रेंड्स वाला अगर लिखने लग जाओगे ना ऑलमोस्ट सारी डिस्क्रिप्शन ही आ जाएगी, क्योंकि काफी फ्लक्चुएशन है. ठीक है, तो उसको इसमें नहीं लिखते, उसको बॉडी में लिख देंगे. पर इस जो ये वाला जो हमारा ओवरव्यू है ना, इसको दो में बांट देते हैं. मेलबर्न इज सनियर देन डार्विन फ्रॉम फेब्रुअरी टू अक्टूबर. ठीक है, बट इन द रेस्ट ऑफ द मंथ्स डार्विन हैज मोर आवर्स ऑफ सनशाइन. ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, एवरेज मंथली टेम्परेचर रिमेन सेम विद सम फ्लक्चुएशन इन बोथ द सिटीज. हाँ ये लिख सकते हैं, ये भी सही चलेगा ना. हाँ हाँ बिल्कुल. यहाँ पे थे ना, यहाँ पे हम थे. ये कैसे बोला आपने? एवरेज मंथली टेम्परेचर हाँ इज रिमेन तो गलत हो जाएगा, रिमेन्ड आएगा. हाँ जी मैम, रिमेन्ड द सेम विद सम फ्लक्चुएशन इन बोथ सिटीज. पर सेम कहाँ रहा है मैम? थोड़ी फ्लक्चुएशन भी तो हो ही जाएगा. छः है और यहाँ पे 12 है, सेम नहीं ना बोल सकते आप. मैम मैं टेम्परेचर का बोल रहा हूँ, टेम्परेचर का. ये 25 है और यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 25 है. नहीं नहीं वो नहीं आता. चलो अब इसको एक ही रहने दो क्योंकि दोनों की जिस्ट निकल गई एक सेंटेंस में. लेट इट बी, ओके, दिस इज गुड इनफ. हमने लिख दिया मेलबर्न इज सनियर देन डार्विन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, वेयर इज डार्विन इज हॉटर देन मेलबर्न throughout the year. ठीक है, ओके. यहाँ मैक्सिमम एक सेंटेंस हमने ये कंपैरेटिव का बनाया, सुपरलेटिव का देख लो कौन से मंथ्स जो हैं वो जो हैं जिसमें मैक्सिमम सनशाइन है और कौन से मंथ्स हैं जिनमें मैक्सिमम टेम्परेचर है, ऐसा कुछ लिख दो. द मैक्सिमम सनशाइन मंथ मई से अक्टूबर तक है मैम. मे टू अक्टूबर है द सनियस्ट डेज. ठीक है, वो हो गया. मे टू अक्टूबर ऑल्सो कर दो, पहले ऑल्सो
May to October are the sunniest months. Yes. Months. While यहाँ पे बताओ हॉटेस्ट मंथ्स कौन से हैं? अगस्त टू नवंबर मैम. अगस्त टू नवंबर. और कूलेस्ट बता देते हैं. कूलेस्ट हो जाएंगे जैन से लेके. ये नहीं होएगा. अच्छा ये एक्चुअली ना जो हॉटेस्ट मंथ्स हैं वो हुँ. वो हमें दो में ऐसे पूरे लिखने पड़ेंगे. ठीक है तो ये है मार्च अप्रैल एंड फिर क्या है जुलाई टू दिसंबर. ठीक है और यहाँ पे क्या है हमने क्या लिखा है मई टू अक्टूबर सनियस्ट है. इनमें भी मई टू अक्टूबर सनियस्ट है मेलबर्न में. नहीं ना. नहीं मैम ये एक्चुअली बनाओ ही मत ये फंस जाओगे बनाने में. है ना बहुत दिक्कत हो रही है मैम ईयर की डेटा बना ना ट्रेंड नहीं बनाओ. हाँ तो कोई बात नहीं बहुत है बस बहुत नहीं बन रहा ट्रेंड. हाँ तभी नहीं बन रहा ना इसलिए नहीं बन रहा मुश्किल है. ओके चलो मैम अगर ईयर नहीं दे रखा तो हमने कौन सी इसमें लिखना है टेंस में. ये हमने सारा प्रेजेंट टेंस में लिखना है. हाँ जी सिंपल प्रेजेंट में लिखना है. ठीक है ओके अब देखो इन डार्विन अब हम डार्विन का बता रहे हैं द सन शाइन्स फॉर 10 hours पर डे इन जनवरी. तो यहाँ पे देखो डार्विन में सन शाइन्स फॉर 10 hours अ डे इन जनवरी. ये 10 hours है डार्विन की बात कर रहे हैं. ये 10 hours अ डे. ठीक है ओके उसके बाद बट बाय मार्च दिस नंबर डिक्रीजेस टू 6. तो 10 से 6 हो गया. सो इन जनवरी द सन शाइन्स फॉर 10 hours अ डे. सिंपल प्रेजेंट टेंस शाइंड नहीं लिखा शाइन्स लिखा. And then the number falls to 6 hours by March. ठीक है? Then there is a stability till June. Then there is a stability to till June. But after that, these hours increase sharply to 12 by November. To 12 by November. November तक कितने पहुंच गए? 12. ठीक है? With a slight dip of 2 hours in September. With a slight dip of 2 hours in September. ये ऐसे लिख सकते हो? कि यहाँ पे यहाँ से देखो यहाँ से 6 से ये 12 पे पहुंच गए विद अ स्लाइट डिप ऑफ 2 hours इन सितंबर. ठीक है नवंबर एंड दिसंबर आर द सनिएस्ट मंथ्स. इसमें नवंबर एंड दिसंबर सनिएस्ट मंथ्स है. ठीक है सनिएस्ट मंथ्स. और देखो इसने एडजेक्टिव की सुपरलेटिव यहाँ पे डाली हुई है. इंद्रुप ने लिखा ये ग्राफ तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव आ गई आपकी. तो रेंज ऑफ ग्रामर आप शो कर रहे हो ना. कंपैरेटिव्स आपने यहाँ दे दिए यहाँ पे सुपरलेटिव दे दिए. विद 12 आवर्स ऑफ सनशाइन एवरी डे. सो नवंबर एंड दिसंबर आर द सनिएस्ट मंथ्स विद कितनी सनशाइन एवरी डे 12 आवर्स ऑफ सनशाइन एवरी डे. ठीक है आगे देखो. ऑन द अदर हैंड मेलबर्न फॉलोज एन अपोजिंग ट्रेंड. मेलबर्न फॉलोज एन अपोजिंग ट्रेंड. अब देखो जब ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है. ठीक है ये ऊपर जा रहा है ये स्टेबल है तो अपोजिंग ट्रेंड है समहाउ. तो आप देखो मेलबर्न फॉलोज एन अपोजिंग ट्रेंड एंड हैज ओनली 6 hours ऑफ सनशाइन इन जनवरी बट बाय मे देयर इज अ शार्प एस्केलेशन टू 12 hours. तो ओनली 6 hours बट बाय मे 12 hours शार्प एस्केलेशन टू 12 डबल हो गई ना शार्प एस्केलेशन. देयर इज अ शार्प एस्केलेशन 12 hours. मे टू अक्टूबर मंथ्स हैव 12 hours ऑफ सनशाइन पर डे. May to October have 12 hours after which the number falls to 8 in November and December. Number falls to 8 in November and December. ठीक है ये आपको समझ आ गया. ऊपर वाला पूरा डिस्क्राइब कर दिया. अब नीचे वाले पे आ जाओ. नीचे वाले पे आ जाओ. The temperature in Darwin, अब ये temperature की बात हो रही है. The temperature in Darwin fluctuates between 25 and 35 degrees C. अब Darwin में 25 और ये 35, इसके बीच बीच में ही fluctuate कर रहा है throughout. ठीक है तो इसको ज्यादा describe मत करो क्योंकि fluctuation है. With June being the coldest month, तो June being the coldest, coolest month in Melbourne, the temperature ranges between 10, ये 10 है और ये क्या है ऊपर वाला 30. In Melbourne, the temperature ranges between 10 and 30 with May, June and July being the coolest months. So, coolest months kaun se hai? May, June, June and July.
being the coolest months, and August to November the hottest, and August to November the hottest. Hottest. So comparative superlative सारा आ गया. और सारा सारा simple present tense है. ठीक है? आप ना ये इस टाइप के ग्राफ एक बार लिख के प्रैक्टिस करा करो अपने आप. ठीक है? You must write. आपको समझ आ जाएगी कि ये डिफिकल्ट ग्राफ है. डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ सोचने में बड़ा टाइम लग गया कि ऐसे करें वैसे करें. बना ही नहीं होगा कुछ, तभी उसने बनाया नहीं, तो हर जगह कहीं ना कहीं फंस जाते हैं. फिर ओवरव्यू बहुत ज्यादा लंबा भी अच्छा नहीं लगता. ठीक है? दैट इज अ जिस्ट. बेसिक इंफॉर्मेशन ही बहुत है ओवरव्यू. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अब ये देखो ये ग्राफ है ना, इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ पीपल है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पीपल यूजिंग ओनली प्राइवेट कार्स इन 5 सिटीज. तो यहाँ पे परसेंटेज है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं 5 सिटीज में, और यहाँ पे परसेंटेज है जो लोग सिर्फ अपनी प्राइवेट कार यूज करते हैं और बिल्कुल पब्लिक नहीं यूज करते हैं. ठीक है? ओके. तो इसमें क्या है, ये पांच सिटीज है ऑस्ट्रेलिया की, यही वाली 5 सिटीज है. अब यहाँ पे देखो सिडनी में सबसे मैक्सिमम लोग क्या यूज करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और मिनिमम मेलबर्न के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. पर यहाँ पे फिगर्स ऑपोजिट है. जो सिडनी है उसके मिनिमम लोग अपनी कार पे जाते हैं और मेलबर्न के मैक्सिमम लोग अपनी कार यूज करते हैं. ऑब्वियसली ऑपोजिट ही होना चाहिए ना. ठीक है? कि वो बसों पे जाते हैं, ट्रेन्स पे जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, यहाँ पे अपनी कार यूज करते हैं मैक्सिमम. अब इसको अगर आपने अच्छे से देख लिया, इस हाथ पे परसेंटेज है. ठीक है? और यहाँ पे 2000 है, 2010 है. Let's see how it has been written. ये मैंने लिखा हुआ है. Okay. The given line graphs compare the proportion of people using public transport with those using private cars in 5 cities of Australia between 2000 and 2010. Introduction समझ आ गई? Yes, ma'am. Overall, more people used private cars than public transport. More people used. अब देखो यहाँ पे percentage देखो कितनी है. 80, 60, 40. यहाँ पे 20, 15, 10. तो more people use public transport है ना? Than private. Yes, ma'am. More people used private cars. Sorry. More people use private cars than public transport. And the percentage of people using public transport remained fairly stable despite minor fluctuation, whereas the percentage of people using private cars grew. अब देखो, जिन्होंने तो public transport use करी, उनका तो number fairly stable आया है ना? Yes, ma'am. और इसमें क्या है, सभी थोड़े थोड़े ऊपर गए हैं. ठीक है? ये समझ आ गया? दोनों के ट्रेंड बता दिए मैंने, छोटा सा ओवरव्यू बना है. ठीक है? अब इन द गिवन डेकेड द मैक्सिमम पीपल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन सिडनी वेयर एज द मिनिमम यूज्ड इट इन मेलबर्न. इसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम यूज्ड इट इन सिडनी, मिनिमम इन मेलबर्न. ठीक है? सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल हु यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, second highest percentage of people use the public transport in Perth. See, yahan pe hai, the maximum people used public transport in Sydney. Ab iske liye aapne na ye Perth ke liye, to ab it was closely followed by Perth. Aa sakta hai? It was followed by Perth. पहले सिडनी की फिगर देखे, इट वॉज फॉलोड बाय पर्थ एट इतने परसेंट. ठीक है? और इन तीनों की वो पिछले ग्राफ में ऐसी लैंग्वेज थी ना, मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप एक तरह से लैंग्वेज सीख लोगे ना, वो बड़े ग्राफ्स में आप अप्लाई कर पाओगे. ठीक है? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर. ठीक है? The second highest percentage of people use the public transport in Perth. In Adelaide and Canberra, the percentage of people using public transport was around 10 to 12%. Adelaide and Canberra mein 10 to 12% thi. Theek hai? Ye Adelaide and Canberra, ye 10 to 12 hi hai throughout. Ye samajh aa gaya aapko graph? Yes ma'am, yes ma'am. Okay. Ma'am, humne pehle और दूसरे पैरे में दूसरा हाँ. क्योंकि फिर यही इजी बनता है ना, आपको दो पैरा डिफाइन करने आ जाएंगे. हाँ जी मैम, प्रैक्टिस करोगे. सी इट इज इंटरेस्टिंग टू सी
अब इंटरेस्टिंग तो कर दिया, ऐसे लिख सकते हो कि प्राइवेट कार्स मैक्सिमम यूज होती थी इन मेलबर्न, बट दिस परसेंटेज रोज टू 90% बाय 2010 इन सिडनी. द परसेंट ऑफ पीपल यूजिंग देयर ओन कार्स इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20% इन द गिवन डेकेड. एट पर्थ, एडिलेड, कैनबरा ऑल्सो शोड अपवर्ड ट्रेंड इन द यूजेज ऑफ प्राइवेट कार्स. The percentage of people using cars increased from 60, 40 and 38 to 80, 58 and 40. तीनों की फिगर्स यहाँ दे दी, 60, 40 and ये है 28 to, ये क्या है 80, 58 and 40. ठीक है, ऐसे लिख दिया respectively. तो चलो, ये आज की आपकी क्लास थी. आपको कुछ सीखने को मिला इसमें? ग्राफ कुछ आपको लग रहा है कि अगर लाइन लाइन ग्राफ आ गया तो लिख पाएंगे? सो आई एम गोइंग टू शेयर 35 ग्राफ्स विद यू फ्रॉम माय बुक. उसमें ना लाइन ग्राफ खत्म हो जाएगा मुझे लगता है, और टेबल शुरू हो जाएगा. अब आपको एक मिनट, आपको क्या करना है, आपको ना ये 35 के 35 ग्राफ्स गो थ्रू करने हैं, और फ्राइडे को जो आप मेरे को ग्राफ बोलोगे इनमें से आपको नहीं समझ आए, मैं वो वाले ग्राफ की क्लास आफ्टर द एसे, दो एसे डिस्कस करा दूंगी, दो तीन, आधा घंटा ग्राफ की क्लास लूंगी. उस ग्राफ की क्लास को कम टाइम मिल रहा है, तो जो आप पढ़ोगे और जो आपको डिफिकल्ट लगेगा वो आप शेयर करना, वो वाला करा दूंगी. ठीक है, हाँ तो टेबल्स कर देंगे ना उस दिन, आप टेबल्स करो, ये सारे पढ़ो, वील डिस्कस टेबल्स. ठीक है, जैसे आज हमने ए का लिखना सीखा ना, अगर ए का टेबल लिखना सीखेंगे ना, हाँ, तो आप जब तक ना टेबल की वो वीडियो देख लो, 10 sentences वाली. हाँ जी मैम, ठीक है, हाँ वो देखो. ओके ओके, बाय बाय मैम, थैंक यू, बाय मैम, बाय.